हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपने देखा कि 14 अप्रैल को आखिरकार रणबीर और आलिया शादी के बंधन में बंधे। काफ़ी दिनों से ये चर्चा थी कि आखिर इन दोनों की शादी होगी कब, और जब शादी हो गई तो ढेरों जो इंटरनेट पर वायरल हो रही है इनकी फ़ोटोज़ जो है खूब तेज़ी से वायरल हो रही है। लोगों को भी खूब तेज़ी से ये इनकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, हर छोटी बड़ी अपडेट्स जो है लोगों को जानने में काफ़ी इंटरेस्ट है। फैंस जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हैं, और अब फैंस इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं कि आखिर ये दोनों रिसेप्शन कब देने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा कि शादी में मेहमानों की संख्या जो थी वो कम रखी गई। हालांकि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटीज़ इनकी शादी में नज़र नहीं आए, लेकिन करण जौहर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान इनकी शादी में ज़रूर नज़र आए। तो अब देखने वाली बात है कि क्या रिसेप्शन में भी यही लोग आते हैं, या फिर तमाम जो बॉलीवुड सितारे हैं वो नज़र आ पाते हैं या फिर नहीं। क्योंकि आपको बता दें कि शादी को जो है काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट रखा गया था। फॉर्म जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भरवाया गया था कि कोई भी शादी की फ़ोटो, वीडियोज़ लीक नहीं की जाएगी। और ये बात भी आ रही थी सामने कि OTT प्लेटफॉर्म पर इन दोनों की शादी जो है वो दिखाई जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और साथ ही जैसे ही इनकी शादी हुई वैसे ही फोटोज़ और वीडियोज़ जो है खूब तेज़ी से इंटरनेट पर वायरल हो गए। साथ ही आपको बता दें कि अब रिसेप्शन की जब बात छिड़ी है तो नीतू कपूर का ये कहना है कि रिसेप्शन तो नहीं हुआ, अब जो होना था सब हो चुका है, आप अपने घर जाइए। जी हाँ, मीडिया पर्सन को नीतू कपूर ये कहती हुई नज़र आई कि अब सब फाइनल हो चुका है। लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जिस तरह से विराट और अनुष्का की शादी हुई थी वह भी गुपचुप तरीके से हुई थी, हालांकि उसके बाद रिसेप्शन ज़रूर दिया गया था। और अब एक बार फिर आलिया और रणबीर की शादी के बाद रिसेप्शन ज़रूर होगा, जिसमें बड़े जो बॉलीवुड सेलेब्स हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, साथ ही बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सितारे हैं जो कि आना अभी बचे हैं शादी तक, तो वह नहीं पहुँच पाए। देखने वाली बात है कि किस तरह से रिसेप्शन में नज़र आ पाते हैं या फिर नहीं, और रिसेप्शन होता भी है तो वो कहाँ होगा। क्योंकि बीच में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि रिसेप्शन होगा लेकिन मुंबई में ही होगा, और अब ये बात है कि रिसेप्शन का जो वेन्यू है वो दरअसल चेंज हो चुका है। जी हाँ, देखने वाली बात है कि आखिर आर के हाउस में तो शादी हुई, अब जो है रिसेप्शन कहाँ होता है, क्या वह भी पुश्तैनी घर में होता है या फिर आलिया की चॉइस से होता है। क्योंकि रणबीर ने ये कहा था कि शादी जो है वो वहीं होगी जहाँ पर उनके माता पिता की शादी हुई है, तो शादी तो वहाँ हो गई है। देखने वाली बात है कि किस तरह से इन दोनों का रिसेप्शन होता है और कितना इंटरेस्टिंग और कितना बड़ा होता है, और कौन कौन मेहमान इनके रिसेप्शन का हिस्सा बनते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो अपडेट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी ना भूलें। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें।